नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एम्स के फाइनल रजिस्ट्रेशन है और जनरेशन ऑफ कोड है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 अप्रैल तक आप जनरेशन ऑफ कोड फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और फी पेमेंट करने के बाद आपकी जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप वो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जिसका लिंक आपको वेबसाइट पे भी दे रखा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड के लिए आपको एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद PSC ओनर्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड आगे कर देना है। और इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट कर लिया है तो आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और यूनिक कोड पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेना है और फी पेमेंट कर देनी है। और अगर आपने जनरेशन कोड जनरेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेसिक रजिस्ट्रेशन पे प्रोसीड के लिए, और उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको अपना वो कोड है वो जनरेट कर लेना है रजिस्ट्रेशन आईडी की हेल्प से, जो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम मिली थी। तो ये आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है और कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के दौरान, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं टोल फ्री नंबर उन पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। टाइमिंग आपको दे रखी है, शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आपको मैं बता दूं कि जो मैंने पहले ही 2 सैंपल पेपर से वो अपलोड कर रखे हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो दोनों पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए, और आगे भी हम आपके लिए कुछ सैंपल पेपर्स ला रहे हैं एम्स BSc कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उनको भी आप देखना ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो चुका है, और ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में लॉकडाउन भी हो गया। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो गवर्नमेंट ने आपको कहा है घर पर रहने का, और जो लॉकडाउन हुआ है वो आप सभी के लिए है और हमारे सभी के लिए है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप अगर घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस का स्प्रेड इंडिया में नहीं फैलेगा, और हम सभी अच्छे से अपना काम है वो कर पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर रहिए और स्टडी कीजिए अच्छे से, ताकि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन MK है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग और पहले भी कोई वीडियो रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और